में कंगना रनावत कई लोगों के निशाने पर है और उन पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं कि वो शायद राजनीति में अपना पांव जमाना चाहती हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत रुचि ले रही हैं और साथ ही नरेंद्र मोदी का भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। वेल, इन सभी बातों का जवाब देती हुई नजर आई है कंगना रनावत। आखिरकार क्या कहा है कंगना ने, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। कंगना ने जब से सुशांत सिंह राजपूत केस शुरू हुआ है तब से ही बेबाकीपन से अपने पक्ष रखे हैं, कई बातों का, ऐसी बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया है जिसको देख के हर कोई हैरान हो गया। बॉलीवुड के अगर काले सच की बात की जाए तो उस बारे में भी कंगना ने ही बताया, चाहे वो महेश भट्ट हो, करण जौहर हो या यशराज फिल्म्स हो। वेल, इन सभी के बारे में कंगना ने खुलकर बात करी है। नेपोटिज्म को लेकर भी काफी ज्यादा उंगलियां उठाई हैं। अब ऐसे में कंगना रनावत हमेशा नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में बात करती हैं। इस बात को लेकर ट्रोलर ने उन्हें ट्रोल्स किया और साथ में उन पर निशाना साधा। इस बात का जवाब देते हुए कंगना की टीम ने कुछ ट्वीट करे हैं। चलिए आपको बता दूं कि आखिरकार इन ट्वीट्स में क्या लिखा गया है। मैं आपको बता दूं कि कंगना की टीम ने लिखा है कि अगर कंगना को राजनीति में जाना होता तो वेल उनको वो बताना चाहती है कि जो लोग ये सोचते हैं कि कंगना को राजनीति में जाना है इसलिए वो नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करती हैं, तो उनके लिए ये जवाब है कि मेरे दादाजी 15 सालों तक कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं और साथ ही मेरा परिवार जो है वो राजनीति में इतनी दिलचस्पी लेता है कि गैंगस्टर फिल्म के बाद से ही मुझे कांग्रेस की तरफ से कई बार ऑफर्स आए थे। वेल, उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि जब उनकी फिल्म मनी करने का आई उसके बाद में बीजेपी ने भी उन्हें टिकट ऑफर की थी, लेकिन कंगना ने इस बात के लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपने काम, अपनी एक्टिंग लाइन से काफी ज्यादा प्यार करती हैं और वो उसी प्रोफेशन में रहना चाहती हैं। वेल, इस वजह से उन्होंने राजनीति के लिए मना कर दिया। वेल, कंगना ने इस बात को भी कहा कि मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग मेरे ऊपर निशाना इसलिए साधते हैं क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का सपोर्ट इसलिए करती हूँ ताकि मैं राजनीति में कदम जमा पाऊँ, तो ये उनकी गलतफहमी है। वेल, इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।